हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर आशु। आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टैक्सिम और सिरप ड्राई सिरप के बारे में आप लोगों का जानकारी देने वाला हूं, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करना, ओके। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर एक आने वाली आप लोग तक पहुंचती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका मैन्युफैक्चरर कंपनी, क्योंकि इस ये तो जानेंगे ना ज़रूर कि भाई इस दवा को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ना। तो इसे अल्केम लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि बहुत ब्रांड कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है ना, जो कि इसका मैन्युफैक्चर स्ट्रीट मुंबई है ना। दूसरा हम जान लेते हैं, जो कि हमको इजीली अवेलेबल 107 रुपए में मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाता है ना। चलिए अब हम जानते हैं इसका कॉम्बिनेशंस के बारे में कि इसमें किसका कॉम्बिनेशंस क्या होता है। तो इसका कॉम्बिनेशन सिफेक्सिम एंड पोटेशियम कल्वनेट ओरल सस्पेंशन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसे ये मेडिसिन कौन सी काम में आती है। तो दोस्तों, ये सर्दी हो, खांसी हो, नज़ला हो, नाक बहरा हो, नाक जाम हो गया हो, या वैसा फीवर हो, वायरल फीवर हो, है ना, जो बुखार ऐसा फीवर हो जो उतर रहा है, चढ़ रहा है ना, फीवर कंटिन्यूली नहीं रहती है, उतर जाता है फिर चढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में इस दवा को यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसका प्लेन सिरप भी आता है, टैक्सिमो नाम करके मार्केट में है ना, जो जनरली आपको अगर वो मेडिसिन से बच्चा क्योर नहीं होता है तो डॉक्टर इसे सीवी प्रेस्क्राइब करते हैं, सीवी रिकमेंड करते हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। तो पहले आप लोग, अगर आपके बच्चे टैक्सिमो सिरप से नहीं ठीक हो रहे हैं तो टैक्सिमो सीवी चला सकते हो, ओके, एज एन एंटीबायोटिक, ठीक है ना। ये एक एंटीबायोटिक है जो सब चीज़ में काम आता है, स्पेशली ये नहीं कि सर्दी खांसी बुखार में ही काम आता है, जनरली और सब डॉक्टर अपने अपने अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। और मैं नॉर्मली बात करूं तो ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम करता है, सर्दी खांसी बुखार, अगर किसी तरह का फोड़ा फुंसी है या किस तरह का घाव है, वो सब चीज़ों में ये काम करता है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट है ना। तो जनरली आपके बच्चे को अगर सर्दी खांसी है, अगर है बुखार है, चहर उतर कर रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, खांसी ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये सिरप यूज़ कर सकते हो, ओके। अब हम बात करें इसका साइड इफ़ेक्ट की। इसका साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, बच्चे को आपको पेट में दर्द हो सकता है, पेट फूल सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, ओके, सर में पेन हो सकता है, बच्चा रोने लगेगा, इस तरह का कंडीशन आपको आपके सामने आएगा, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, देखिए जनरली आप लोग जब भी एंटीबायोटिक यूज़ करो, ठीक है ना, तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जरूर दिया करो, ठीक है ना, गैस की दवा या रेंटिडाइन कोई भी यानी मेडिसिन दे सकते हो, लेकिन गैस का देना ज़रूरी है। गैस का नहीं जम देते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है ना, ये सब कंडीशन सामने आ सकता है, जनरली कुछ होता है नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसका डोजेस के बारे में। तो इसका डोजेज है दोस्तों 6 महीने के बाद 5 साल तक, ओके, ये 50 mg का है, 100 mg भी आता है, ठीक है ना, 100 mg भी है। तो दोस्तों इसका डोजेज है 5 ml सुबह शाम, है ना, या डॉक्टर आपके कैसे रिकमेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।